और सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी। इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था, और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था। और उन्होंने शब्द कहा था, आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए और इस प्रकार काम करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हम करेंगे या मरेंगे, ये बापू के शब्द थे। और बापू ने स्पष्ट भी किया था कि मैंने मेरे अहिंसा के मार्ग को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी, और वो समय जन सामान्य का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेतृत्व संभालते हुए उन जन भावनाओं के अनुकूल इन शब्द प्रयोगों को करना हुआ था। मैं समझता हूं कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए, और करेंगे या मरेंगे। और बापू तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और वो इस आजादी का आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था, और उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में कसू भर भी अंतर नहीं था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था, इसका आरंभ हिंदुस्तान में हुआ और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिंदुस्तान से हुआ था। भारत आजाद होना सिर्फ भारत का आजादी नहीं थी। 1942 के बाद विश्व के जिन जिन भूभाग में, अफ्रीका के, एशिया में इस उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ज्वाला भड़की, उसकी प्रेरणा केंद्र भारत बन गया था। इसलिए भारत सिर्फ भारत की आजादी नहीं, एक आजादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जन सामान्य का संकल्प और कर्तृत्व कारण बन गया था। और कोई भी भारतीय इस बात के लिए गर्व कर सकता है, और उसको हमने देखा कि एक बार भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिषदवाद के सारे लोगों के झंडे ढहते गए और आजादी सदूर पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के सारे देशों को आजादी प्राप्त हो गई। और ये काम, और ये इससे बताता है कि ये भारत की इच्छा शक्ति का, प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तमोत्तम परिणाम था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थक संकल्प को स्वीकार किया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से देश छोड़ने को कहा गया था, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इस संकल्प के पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण के अंत में जो कहा, मैं उसे दोहरा रही हूँ। उनके शब्दों में, मैंने कांग्रेस को प्रतिज्ञा दिलाई है कि कांग्रेस करे या मरे। इन शब्दों ने
इन शब्दों ने पूरे देश को उत्तेजित कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों और अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। हजारों लोगों को 1945 का दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक जेल में बंद रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में अपना सबसे लंबा समय बिताया और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बीमारी के वजह से जेल से जिंदा भी बाहर नहीं आ सके। इस आंदोलन को जारी रखने के लिए देश भर में अनगिनत महिला और पुरुष को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरतापूर्वक दमन किया, कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाए, हर हफ्ते दर्जनों लोग मारे गए। उनके आदेशों को नहीं मानने वालों पर कोरे बरसाए गए। राष्ट्रवादी अखबारों पर पाबंदी लगाई गई और उन्हें बंद भी कराया गया। सत्याग्रहियों को डराने और धमकाने की कोशिश में पुलिस द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। कैदियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई या उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर नंगा करके तब तक लौटने को मजबूर किया गया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। यही नहीं, प्रदर्शनकारी नागरिकों पर हवाई फायरिंग भी की गई। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी निडर रहे और वे झुके नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल बन गया, लेकिन इसके लिए हमें अनगिनत कुर्बानियां देनी पड़ी। आज वही कुर्बानियां हमें एक मौका देती हैं जब हम उन्हें आभार के साथ याद करें और उनके प्रति सम्मान दिखाएं। आज जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा।